नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में इस समय देश में डॉक्टरों और पुलिस कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों की टीम फ्रंटलाइन पर खड़ी। जिस समय पूरा देश अपने घरों में बंद है, उस वक्त ये लोग सड़कों और अस्पतालों में है। ये लोग हमारे और आपके जीवन को बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। मगर ऐसे समय में भी देश के कुछ हिस्से से इन योद्धाओं को अपमानित करने वाली खबरें आ रही। कहीं कुछ लोग डॉक्टरों की टीम पर हमला कर रहे हैं तो कहीं पुलिस पर। हाल ही में ऐसी ही बुरी खबर राजस्थान के टोंक जिले से आ रही। यहां पर कुछ लोगों ने लॉकडाउन का पालन करा रहे पुलिसकर्मियों पर हमला किया है। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन पुलिस वालों पर बड़ी बेरहमी से हमला किया गया। हमले के बाद प्रशासन ने 3 पुलिस वालों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया। बता दें, ये घटना शुक्रवार सुबह 8 बजे की, जब टोंक के 5 बत्ती इलाके में गड्ढा पहाड़ियां में पुलिस कर्फ्यू के पालन के लिए लोगों को समझा रही थी, तभी कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भेजकर हालात पर काबू पाया। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है।